वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। अगर आपने भी अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है तो स्टार्टिंग में सब्सक्राइबर लाना कितना कठिन होता है वो सभी आप जानते ही होंगे। देखिए, स्टार्टिंग में हम यूट्यूब चैनल तो बना लेते हैं और उस पर जोश जोश में वीडियोस भी अपलोड कर देते हैं, लेकिन रेगुलरिटी नहीं बनाते हैं। अगर आप रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं करेंगे तो आपके सब्सक्राइबर नहीं आएंगे। जब तक आपके वीडियोस पर व्यूज नहीं आएंगे तो सब्सक्राइबर कैसे आएंगे? तो आप एक अच्छा सा वीडियो बनाइए, डेली एक वीडियो टारगेट रखिए कि डेली एक वीडियो तो अपलोड करना ही करना है। और आप देख सकते हैं कि देखिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए फ्रेंड्स आपको देखिए किसी बड़े चैनल के यूट्यूबर का नाम अपने उसमें यूज़ करिए। जैसे कि आप यूज़ कर सकते हैं टेक्निकल गुरुजी कमेंटेड ऑन माय चैनल वीडियो, यानी कि टेक्निकल गुरुजी ने मेरे वीडियोस पर कमेंट किया तो मैंने टाइटल डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड में टेक्निकल गुरुजी का नाम यूज़ किया, यानी कि कीवर्ड में यूज़ किया। तो उससे होता क्या है कि वैसे तो वो मेरे वीडियो पर कमेंट आई थी, बहुत से लोग फेक आईडी बना के कमेंट कर देते हैं तो वो तो ठीक था ये, लेकिन अगर आप अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन और टैग्स में किसी बड़े यूट्यूबर का नाम यूज़ करते हैं तो अगर कोई सर्च करता है टेक्निकल गुरुजी को तो आपका वीडियो भी उस सर्च रिजल्ट में आ जाएगा। अब फ्रेंड, दूसरी टिप ये है कि अगर आप अपने चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको थंबनेल, कैची थंबनेल बनाने होंगे। थंबनेल बनाने, अगर आपका थंबनेल अच्छा है, अगर आपका वीडियो अच्छा है तो आपका सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ तीसरा तरीका। तो सबसे पहले आप अपने यूट्यूब चैनल की रिपोर्ट देखिए, एनालिटिक्स देखिए, जिस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ आए हैं उस वीडियो के कीवर्ड चेक करिए, उसमें पता करिए कि कौन सा कीवर्ड रैंक किया है। अगर जो कीवर्ड रैंक किया है कि उसी कीवर्ड से आप दूसरा कोई वीडियो बनाते हैं उसी टॉपिक पर और उसी कीवर्ड को आप उस वीडियो के टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और टैग में यूज़ करते हैं तो आपका वीडियो वायरल होने के चांसेस रहते हैं। तो आप अपने यूट्यूब चैनल की एनालिटिक्स में जाइए, एनालिटिक्स में देखिए कि किस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ आए हैं और एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितनी है, यानी कि एनालिटिक्स से आप पूरे अपने यूट्यूब अपने चैनल की DNA को जान सकते हैं। देखिए, अंदर तक, गहराई तक अपने चैनल की खासियत को जानने के लिए एनालिटिक्स का प्रयोग करिए और डेली अपनी एनालिटिक्स रिपोर्ट्स को देखिए। तो जैसे आपका कोई वीडियो रैंक कर गया तो उस वीडियो को टैग देखिए, आपने कौन सा टैग किया है, यानी कि उस आपके वीडियो में कौन सा टैग रैंक किया है, उसी के टैग को लेकर आप दूसरा वीडियो बनाइए उसी टॉपिक पर। तो ऐसा करने से आपका यूट्यूब चैनल पर व्यूज़ आएंगे तो सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैं भी मानता हूँ कि मेरा भी एक नया ही चैनल है ये, तो स्टार्टिंग में व्यूज़ लाना थोड़ा कठिन होता है। देखिए, स्टार्टिंग में 100 सब्सक्राइबर तो पा सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया पूरा करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, मेरे जो चैनल था, एक गेमिंग चैनल, उस पर मुझे 3 महीने लग गए थे 1000 सब्सक्राइबर लाने में। तो अब मैं जो टेक चैनल में जो अपना बना रहा हूँ, जो जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस पर मैंने अभी सब्सक्राइबर 100 नहीं दिए हैं। सब्सक्राइबर मैं जब 100 करूँगा, जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। फिलहाल तो अभी 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं। देखिए, कोई वीडियो रैंक ही नहीं किया है। तो आपको करना क्या है, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर आपको अपने यूट्यूब चैनल को ग्रोथ करना है तो आपका जो यूट्यूब चैनल का नेम है उसको चैनल के कीवर्ड में रखिए। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर बता दूंगा कि किस तरीके से आप अपने सर्च रिजल्ट में अपने यूट्यूब चैनल को कैसे ला सकते हैं। देखिए, किसी ने सर्च किया टेक्निकल गुरुजी तो उनका चैनल सबसे ऊपर टॉप पे आ जाता है, यानी कि पॉपुलर है, पॉपुलर यूट्यूबर है, डेली वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि सर्च रिजल्ट में आपका यूट्यूब चैनल का नाम ऊपर आए, तो उसको करने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपका जो यूट्यूब चैनल का नेम है उसको आपको चैनल के कीवर्ड में यूज़ करना है, हर वीडियो के टैग्स में यूज़ करना है और आप टाइटल में भी यूज़ कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के नेम को। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप यूट्यूब चैनल पर अपने सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। और लास्ट में एक मज़ेदार ट्रिक्स बताऊंगा कि आप अपने सब्सक्राइबर को ख़रीद भी सकते हैं। देखिए, बहुत सी सर्विस कंपनियां होती हैं और जो सब्सक्राइबर बढ़ाने का पैसा लेती हैं, लेकिन चलो वो छोड़िए, आप पैसा खर्च मत करिए। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि गूगल एडवर्ड, यानी कि ऐड चलाइए अपने वीडियोस पर। तो पहले तो आप ये देखिए कि आपके YouTube चैनल पर कौन सा वीडियो रैंक कर रहा है। रैंक कर रहा है तो गूगल एडवर्ड में उस पर ऐड चलाइए। हालांकि मैं मानता हूँ कि देखिए, YouTube कहता है कि जो आप एडवर्ड के थ्रू ऐड चलाते हैं और जितना भी वॉच टाइम आता है वो वॉच टाइम काउंट नहीं होता है आपके उसमें।
आपके वॉच आवर में काउंट नहीं होता है, लेकिन जब आप अपने यूट्यूब वीडियो के कोई ऐड चला दिया आपने, तो आप देखेंगे कि आपका यूट्यूब चैनल ग्रो करने लगा है, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और जिस वीडियो पे आपने ऐड चलाई है उस पर व्यू भी अच्छे खासे आने लग गए हैं। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा बहुत तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, ऐड चलाइए या कोई सर्विस लीजिए या फिर जीनियन कंटेंट बनाइए, अपने यूट्यूब चैनल पर अच्छा कंटेंट बनाइए, गूगल पर ट्रेंडिंग टॉपिक देखिए और यूट्यूब पर सर्च करिए लोग क्या क्या सर्च करते हैं, तो उसी टॉपिक पर आप वीडियोज़ बनाइए। देखिए अंटसंट वीडियो मत बनाइए अपने दिमाग से कुछ भी, आप यूट्यूब ही बता देगा आपको क्या क्या वीडियो बनाने हैं। तो जब आप YouTube पर टैग करते हैं कुछ तो नीचे रिजल्ट आते हैं, तो वो होता क्या है कि लोग ज्यादातर उन्हीं चीजों को सर्च करते हैं, तो उन्हीं चीजों को सर्च करते हैं तो वही वीडियो आप बनाइए। जैसे कि आप मान लीजिए आपका गेमिंग चैनल है, गेमिंग चैनल में आपने सोनिक डैश गेम के वीडियो रिकॉर्ड किए। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि सोनिक डैश वर्सेस टॉकिंग टॉम हीरो डैश, लेकिन आप जब YouTube के जो सर्च बार होता है उसमें जब आप सोनिक डैश डालेंगे तो आप देखिए कि सोनिक डैश के साथ साथ लोग और क्या क्या सर्च कर रहे हैं, तो उस तरीके से जब आप करते हैं तो आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। तो आप गेमिंग चैनल भी खोल सकते हैं और गेमिंग चैनल में काफ़ी अच्छा स्कोप है और CPC भी अच्छी रहती है इसकी। तो फ्रेंड ये था आज का वीडियो, ऐसे वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ आपके लिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।